अगर आप गौर करें तो जबूर नंबर 23 जो है ये एक्सट्रीम्स का जबूर है, अल्टीमेट्स का जबूर है। ये मिसाल के तौर पे आप पहली आयत से शुरू कर लें, खुदावंद मेरा चौपान है। ये जो खुदावंद है उसके साथ जो मेरा तजर्बा है, अल्टीमेट शेपर्ड है, उस जैसा और कोई नहीं है जिसके साथ मैं जुड़ गया हूं। वो कहते हैं मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चिरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ये खुदावंद की अल्टीमेट प्रोविजन है, एक्सट्रीम प्रोविजन है उसकी, उस जैसी प्रोविजन, उस जैसा मुहैया और कोई नहीं कर सकता। वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चलता है, यह उसकी अल्टीमेट गाइडेंस है जो खुदावंद ने मुझे बख्शी है। वो मेरी जान को बहाल करता है, अल्टीमेट हीलिंग है, अल्टीमेट रेस्टोरेशन है। जिस तरह से उसने मुझे रिस्टोर कर दिया है, उसने मुझे बहाल कर दिया है, ऐसी बहाली कोई और मेरी जिंदगी में नहीं ला सकता। सो जबूर नंबर 23 जो है वो अल्टीमेट्स का जबूर है, वो एक्सट्रीमिटी का जबूर है, वो एक्सट्रीम्स का जबूर आपको नजर आता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। ये खुदावंद पर जो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है उसका जबूर आपको नजर आता है। जैसी प्रोटेक्शन मौत के साया की वादी में खुदावंद दे सकता है, और कोई इस तरह की प्रोटेक्शन जो है वो नहीं दे सकता। और दानियल की किताब उसका तीसरा बाब जो हमने पढ़ा था उसमें साफ तौर पे लिखा है कौन सा ऐसा माबूद है जो इस तरह से अपने लोगों को बचा सके। जैसी प्रोटेक्शन इस खुदा ने कर दी है, इस माबूद ने कर दी है, ऐसी प्रोटेक्शन और कोई नहीं कर सकता। अगर आप दानियल की किताब पढ़ें तो दानियल की किताब तो बार बार इस बात को बयान करती है, जब बादशाह ने ख्वाब देखा और खुदा ने अपनी यूनिकनेस को जाहिर किया और नजूमियों और फालगिरों जो दूसरे लोग थे उन्होंने ये कहा कि माबूदों के सिवा जिनकी सुकूनत गाह इंसानों के साथ नहीं, और कोई इस ख्वाब को नहीं बयान कर सकता, और किसी में इतनी सलाहियत नहीं है। माबूद कर सकते हैं लेकिन वो माबूद जो है वो इंसान की पहुंच से बाहर हैं। लेकिन खुदावंद ने दानियल पर इस बात को जाहिर कर दिया। इसका मतलब यह है कि वो माबूद जो दुनिया की नजर में इंसानों की पहुंच से बाहर है, वो माबूद दानियल और सदरक और मिसक और अब्दनजू के किस कदर करीब है। आपको दानियल की किताब में एक और बात जो है वो नजर आती है कि खुदा की एक्सट्रीम प्रोटेक्शन जो है, अल्टीमेट प्रोटेक्शन आपको नजर आती है जब दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया और खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। सो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है, और ये अल्टीमेट प्रोटेक्शन आपको चौथी आयत में मिलती है, और फिर ये अल्टीमेट प्रोटेक्शन अल्टीमेट फेलोशिप में तब्दील हो गई है, तू मेरे साथ है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साथ है। तेरी अल्टीमेट प्रोटेक्शन मेरे लिए अल्टीमेट फेलोशिप है, तू मेरे साथ है। ये अल्टीमेट प्रोटेक्शन अल्टीमेट इंटीमेसी में और अल्टीमेट फेलोशिप में तब्दील हो गई। पांचवी आयत जो है वो आपको बयान करती है कि ये जो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है, अल्टीमेट फेलोशिप है, ये अल्टीमेट पर्सनल अफेक्शन में तब्दील हो गई है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। खुदावंद ऐसा करीब आ गया है कि उसने खुद उसके सर पर तेल मल दिया है। ये उसकी अफेक्शन है, ये उसकी अल्टीमेट मोहब्बत है जो उसने जबूर नवीस को दिखा दी है। अल्टीमेट अफेक्शन के साथ अल्टीमेट विक्ट्री भी दे दी है खुदावंद ने। वो कहते हैं मेरे दुश्मन बेबस हो गए, तूने मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछा दिया है। उसके बाद अल्टीमेट डवेलिंग प्लेस है, आसमानी घर है, एक्सट्रीम लाइफ दे दी है, मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। सो ये जबूर सारा का सारा ही ये एक्सट्रीम्स का जबूर है, ये सुपरलेटिव डिग्री का अगर आप कह लें जबूर है, तो ये बात जो है ये बेजा नहीं है। और चौथी आयत जो है वो बयान करती है
कि मैं ख्वा मौत के साया की वादी में से गुजरूं, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जबूर नवीस ये बात जानता है कि उसका डीएनए, उसकी फॉर्मेशन मौत के लिए नहीं है। वो जानता है कि उसका डीएनए, उसकी फॉर्मेशन जो है वो जिंदगी के लिए है। लेकिन वो ये कहता है कि खुदावंद, तू जो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चला है, अगर मेरे डीएनए से उलट मेरी जिंदगी में कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात हो, चाहे मौत हो, चाहे ये जिंदगी खत्म हो जाए, खुदावंद मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। खुदावंद खुदा हर तरह के हालात में, चाहे कैसे ही हालात मुझे घेरे हों, खुदावंद मैं उस जिंदगी को मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलता रहूंगा। इस मौत के साया की वादी में वो ये कहता है, खुदावंद ना सिर्फ मौत के साया की वादी, बल्कि वहां पर जो अपोजर्स हैं, जो मुखालफत करने वाले हैं, जो एक्यूजर्स हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, खुदावंद खुदा जो इजहारसानी करने वाले हैं, जो सताने वाले हैं, जो दुख देने वाले हैं, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, किसी मुखालफत से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा कोई मुखालिफ खुदावंद तुझसे बड़ा नहीं है, तुझसे बड़ा नहीं हो सकता, वो तेरा मुकाबला नहीं कर सकता है खुदावंद खुदा, और तू जो मेरे साथ है तू उससे बड़ा है जो मेरे मुखालिफ है। इस जबूर में जो पहला हिस्सा है वो अल्टीमेट शेपर्ड के बारे में बताता है। पांचवीं और छठी आयत दूसरा हिस्सा है और दरमियान में चौथी आयत है, और इस चौथी आयत पर ये सारा जबूर जो है ये घूमता है। चौथी आयत जो है वो मरकजी आयत है इस जबूर की, और जो पांचवीं और छठी आयत की बरकतें हैं उनका इन्हसार, उनका दारोमदार चौथी आयत पर है कि मौत के साया की वादी में आप किस तरह से आपका बर्ताव होता है, आपकी आदतें, आपके अल्फाज, आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना चौथी आयत में कैसा होता है, यह बात फैसला करती है कि आपको पांचवी आयत की बरकतें मिलेंगी, आपको छठी आयत की बरकतें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मुसीबतों और परेशानियों में जो आपका बेहतरीन दोस्त है, जो आपका बेहतरीन साथी है, जिसके साथ आपकी बेहतरीन फेलोशिप है, अगर आप अपने बेहतरीन दोस्त पर अपनी मुसीबत में शक करना शुरू कर दें, आप कभी खड़े नहीं हो सकते, आप मर जाएंगे, आप हलाक हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि सारी बलाएं आपके खिलाफ हैं, सारी बलाएं आपको मारना चाहती हैं। आपकी सिचुएशन ये है कि आप मौत के साया की वादी में से गुजर रहे हैं। मौत के साया की वादी में अगर खुदावंद पर शक करना शुरू कर दोगे तो आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। आपकी बदतरीन सिचुएशन में आपका बेहतरीन दोस्त खुदावंद यीशु मसीह है, वो चौपान है, वो अच्छा चरवाहा है, वो अपनी जान पर खेल जाता है लेकिन आपकी जान को महफूज रखता है। कभी उस पर शक ना करना, कभी उसकी वफादारी पर सवाल ना उठाना, क्योंकि उसकी वफादारी, उसकी मोहब्बत और उसकी फेलोशिप वो आपके साथ है, और जो आपके साथ है अगर आप उसका दिल तोड़ देंगे तो वो जो आपके मुखालिफ है वो पहले से इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से आपको दबोच ले और आपको खत्म कर दे। ये अल्टीमेट टेस्ट सिर्फ हमारी जिंदगी में नहीं आए, ये अल्टीमेट टेस्ट हमसे पहले जो ईमानदार हैं, कलाम उनकी गवाही देता है, उनमें सारे की जिंदगी में ये इम्तहानात जो हैं वो आए हैं। उसकी सरजमीन में एक शख्स था, उस शख्स का नाम अय्यूब था, उस जैसा कामिल इंसान जो खुदा से डरता हो, बदी से दूर रहता हो और वो रास्तबाज हो और वो कामिल हो।
पूरे रुए जमीन पर और कोई नहीं था। ये वो शख्स था जिसके घर के चौगिर्द खुदा ने बाड़ लगाई है और उसके हर काम में खुदा ने उसे बरकत दी है। ऐसे हालात में एक ही दिन में सब कुछ बर्बाद हो गया है, तहबाला हो गया है, उसके बच्चे जो हैं वो हलाक हो गए हैं, उसकी बेटियां उसके बेटे जो हैं वो चले गए हैं, उससे छीन लिए गए हैं, वो मर गए हैं, उसके जितने जानवर जितने चौपाए जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ एक ही दिन में लुट गया है, एक ही दिन में चला गया है। वो ठीकरा लेकर अपने आप को खुजाने लगा और मैं कई बार सोचता हूं कि ये ठीकरा ही उसने क्यों लिया अपने आप को खुजाने के लिए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं इस ठीकरे में और अय्यूब की जिंदगी में मुमासलत है, दोनों एक ही जैसे हैं। ये ठीकरा जो है ये मिट्टी है जो भट्टी में डाली गई है, जो आग में तपाई गई है, जिसकी सारी नमी जिसकी सारी तरावत खुश्क हो गई है और वो हार्ड हो गई है, उसकी नमी सूख गई है। और ऐसे हालात में अय्यूब ने अपनी जिंदगी पर गौर किया है और उसने ये कहा जहां पे बरकत थी, जहां पे तरावत थी, जहां पे तरी थी, जहां पे जिंदगी थी, वो सूख गई है, वो खुश्क हो गई है। उसे अपनी जिंदगी में और इस ठीकरे में बड़ी मुमासलत नजर आई है और उसने उस ठीकरे को लिया है, उसे ये कहा कि तू भी मेरे ही जैसा है, और उसने उस ठीकरे को लेकर अपने आप को खुजाना शुरू कर दिया। उसकी एक ही रिश्ता बचा है और वो रिश्ता उसकी बीवी का है। वो उसके पास आई और उसे कहने लगी कि आप भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा, खुदा की तकफीर कर और मर जा। लेकिन अय्यूब ऐसी खूबसूरत शख्सियत है, वो अपनी बीवी से ये कहता है क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? क्या ये मुमकिन है हम हरी हरी चरागाह में जाएं? क्या ये मुमकिन है हम राहत के चश्मों में से पिएं? क्या ये मुमकिन है वो हमें अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चले? क्या ये मुमकिन है कि वो हमारी जान को शिफा बख्शे और हमें बहाल रखे और हमारा जिक्र हमारा गुजर मौत के साया की वादी में से ना हो? वो ये कहता है क्या ये हो सकता है कि हम खुदा के हाथ से सिर्फ सुख ही पाएं और दुख ना पाएं? और उसके साथ वो उसे कहता है तू तो नादान औरतों किसी बातें करती है। और वो ये कहता है खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, और वो कहता है खुदावंद का नाम मुबारक हो, उसने शैतान को कहीं जलाल नहीं दिया। अय्यूब की खूबसूरती है, अय्यूब जानता है कि खुदा भला खुदा है और वो नहीं कर सकता, लेकिन तो भी अय्यूब अपनी जिंदगी का इख्तियार शैतान को नहीं देता। वो कहता है खुदावंद ने दिया और मेरा खुदावंद कादर मुतलिक खुदा है, उस जैसा खुदा और कोई नहीं है। अगर वो इजाजत ना देता तो जुर्रत नहीं है किसी की कि मेरी जिंदगी में मुदाखलत करे। अगर खुदावंद मुझे ले जाए मौत के साया की वादी में से कोई परवाह नहीं है, अगर खुदावंद फक्त तू मेरे साथ रहे मुझे मौत के साया की वादी की भी कोई परवाह नहीं। जब इस सारे हालात में से गुजर गया और अय्यूब की किताब के आखिरी बाब पर गौर करें जरा, अय्यूब के आखिरी अय्याम में इब्तदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी और उसके पास ये आगे भेड़ और बकरियां और ऊंट और बैल और गदियां और उसके बेटे और उसकी बेटियां और ये सब का जो बयान है ये किया गया है। और पीछे देखिएगा पहले बाब में तो सब कुछ डबल है आखिरी बाब में। और पंद्रहवीं आयत कहती है और उस सारी जमीन में ऐसी औरतें कहीं ना थीं जो अय्यूब की बेटियों की तरह खूबसूरत हों। ये खूबसूरती पता कहां से आई? अय्यूब के किरदार की खूबसूरती उसकी बेटियों की जिंदगी में है। और जो उसकी पहले बेटियां थीं उनके बारे में नहीं लिखा कि वो बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन अल्टीमेट टेस्ट में से गुजरने के बाद उसके बच्चों की तारीफ की गई है कि उसके बच्चों की तरह और कोई खूबसूरत नहीं था। पहले क्या लिखा है? पहले बाब में लिखा है सारी सरजमीन में तमाम रुए जमीन में अय्यूब की तरह कामिल रास्तबाज
खुदा से डरता, बदी से दूर रहता और कोई शख्स नहीं था। आखिरी बाब में क्या लिखा है कि अय्यूब की ये सारी खूबियां, अय्यूब की ये सारी खूबसूरती अय्यूब के साथ नहीं चली गई, ये अय्यूब की जिंदगी में से ट्रांसफर हुई है और उसकी नस्लों तक चली गई है। आमीन। और उनके बाप ने उनको उनके भाइयों के दरमियान मीरास दी। इसके बाद अय्यूब, इसके बाद कैसी लंबी उम्र दी है खुदा ने, इसके बाद अय्यूब 140 बरस जीता रहा और उसके बेटे और पोते चौथी पुश्त तक उसने देखी। और अय्यूब ने बुढ़ा और उम्र सीधा होकर वफात पाई। कैसी बरगुजीदा जिंदगी। एक और मिसाल आपको देना चाहता हूं। एक शख्स था, खुदावंद के साथ चला है, 75 साल का था जब घर से निकला। खुदावंद ने वादा किया अपने वतन, अपने नातेदारों, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और तेरे वसीले से दुनिया के सारे कबीले, सारी कौमें बरकत पाएंगी। 12वें बाब में ये बात लिखी है। ये शख्स खुदावंद के कहने पर चल पड़ा। अय्यूब की जिंदगी में अल्टीमेट फेथ है, अब्राहम की जिंदगी में अल्टीमेट ओबीडियंस है। 25 साल इंतजार किया, मिलाकर 100 साल की उम्र में खुदावंद ने फरजंद की सूरत में बरकत दी। उसका नाम उसने इजहाक रखा। 22वें बाब में खुदावंद ने एक इम्तहान ले लिया। अल्टीमेट ओबीडियंस का अल्टीमेट टेस्ट खुदावंद ने लिया। अब्राहम की उम्र कोई तकरीबन 114-115 साल के करीब होगी, क्योंकि इजहाक इस काबिल था कि वो अपने कमर पर जो है वो लकड़ियां उठा के पहाड़ पर चढ़ जाए। सो डेफिनेटली उसकी उम्र कोई 14-15 साल के करीब, कम से कम इतनी उम्र उसकी होगी। खुदावंद ने अब्राहम से कलाम किया है और अब्राहम ने कहा मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इजहाक को, जो तेरा इकलौता और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। ये बात बड़ी डिस्टर्बेंस का बायस है। और अब्राहम इस सारी रात में इंतहाई तजबजब का शिकार रहा है। अब्राहम यह सोच रहा है कि 25 साल के बाद 100 साल की उम्र में खुदावंद ने फरजंद दिया, बेटा दिया, वादे को पूरा किया और अब उसी बेटे को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाने के बारे में क्या यह खुदा की आवाज है या खुदा की आवाज नहीं है। यकीनी तौर पर इंसान होते हुए अब्राहम ने सोचा होगा कि मैं बे औलाद ही रहता तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि अपने बेटे को कुर्बान करने का जो एहसास है, जो दुख है, जो तकलीफ है, ये इंसानी जबिलत और इंसान की सोच और समझ और उसके ख्यालों से बाहर है। एक और बात जो अब्राहम ने सोची होगी कि जब खुदावंद ने मेरे साथ कलाम किया, इन सारे 30-35 सालों में मैंने हर बात में, हर जगह पर खुदावंद को हमेशा यही कहा कि मैं हाजिर हूं। इस बार मैंने क्यों कहा कि मैं हाजिर हूं? उसने ये सोचा होगा कि मैं, मुझे कहना चाहिए था खुदावंद मैं गैर हाजिर हूं। इस बात का सबूत कि अब्राहम ये सारी बातें सोच रहा था आपको इस बात में मिलता है कि वो स्लीपलेस नाइट के बाद सुबह सवेरे उठा है। इसका मतलब ये है कि शायद वो सारी रात सो ही नहीं सका, इंतहाई डिस्टर्बेंस में उसने सारी रात गुजारी है, सुबह सवेरे वो उठा। ये नहीं लिखा कि वो नींद से उठा, सुबह सवेरे उठा, शायद पहले ही जाग रहा था, सो नहीं सका। अपने
गधे पर चार जमा कसा, अपने साथ दो जवानों और अपने बेटे इजहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी। कहीं नहीं लिखा कि उसने अपने खादमों से कहा कि लकड़ियां चीर दो, उसने खुद लकड़ियां चीरी हैं। और इन लकड़ियों को चीरते हुए उसे जरूर हर बार हर स्ट्रोक पर उसे एहसास हुआ होगा, उसे ख्याल आया होगा कि इन्हीं लकड़ियों ने मेरे बेटे को, मेरे इकलौते फरजंद को जला देना है, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना है। और उठकर उस जगह को जो उसने उसे बताई थी रवाना हुआ। ये 3 दिन का सफर इंतहाई मुश्किल और कठिन सफर है जो अब्राहम ने और इजहाक ने किया है। और ऐसे में जब उस जगह को दूर से देखा, अब्राहम ने अपने जवानों से कहा तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर लौट आएंगे। और अब्राहम ने सोख्तनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इजहाक पर रखी। उसे एहसास होगा कि ये लकड़ियां जो मैं अपने बेटे इजहाक पर रख रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं इजहाक को इन्हीं लकड़ियों पर रखने वाला हूं, जो उसके हाथ में आग है और दूसरे हाथ में छुरी है। इस छुरी ने उसके बेटे को ज़िबह करना है और इस आग ने उसके इकलौते फरजंद को जलाना है। दोनों इकट्ठे रवाना हुए। बड़ा मुश्किल सवाल बिलाखर इजहाक ने पूछ लिया। तब इजहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप, उसने जवाब दिया, ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। ये लफ्ज कहने के लिए ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। कितनी को ताकत है जो अब्राहम ने इकट्ठी की होगी। इस एक जुमले में उस मोहब्बत का अंदाजा लगाएं जो अब्राहम को समेटना पड़ी है, इकट्ठे करना पड़ी है। आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है? इस कायनात का यह सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जो आपको इस कायनात में एक एक्यूरेट, एक सही जवाब मिलता है, वो जवाब अब्राहम का जवाब है। बाकी सारे जवाब झूठे और गलत हैं। सिर्फ एक जवाब दुरुस्त जवाब है। अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। बर्रा मुहैया करना मेरे बस की बात नहीं है। बर्रा मुहैया करना कायनात में किसी इंसान के, किसी मजहब के बस की बात नहीं है। कामिल बर्रा मुहैया करना ये खुदा ही का काम है, और खुदा के सिवा और कोई ये काम नहीं कर सकता। बर्रा सिर्फ एक ही है, और वो बर्रा खुदा का बर्रा है, वो इंसानों का बर्रा नहीं है। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बान का बनाई, उस पर लकड़ियां चुनी, अपने बेटे इजहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबह करे। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उसे आसमान से पुकारा, अब्राहम, अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तीसरी बार हो गया, मैं हाजिर हूं। 2 बार उसने खुदा को कहा मैं हाजिर हूं, 1 बार उसने अपने बेटे को कहा ऐ मेरे बेटे मैं हाजिर हूं, 3 बार उसने कहा, इस बाब में उसने कहा मैं हाजिर हूं। अल्टीमेट ओबीडियंस है। कहीं भी उसने नहीं कहा मैं गैर हाजिर हूं। खुदावंद, ये मुझसे नहीं हो सकता। हर जगह पर उसने कहा मैं हाजिर हूं। 15वीं आयत को देखें, खुदावंद के फरिश्ते ने आसमान से दोबारा अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानिंद कर दूंगा, तेरी औलाद अपने दुश्मनों की
फाटक की मालिक होगी। ये अल्टीमेट विक्ट्री है, तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी, वो मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। खुदा ने सारी कायनात में नजर दौड़ाई होगी और अपने से बड़ा, अपने से ऑथेंटिक, अपने से ज्यादा मजबूत उसने कुछ और नहीं पाया। और उस फिर उसके बाद उसने उसी अपनी जात की कसम खाई है। वो कहता है मैं तुझे बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों की मानिंद ब्लेस करूंगा। मेरा ईमान है इसमें खुदा का पर्पज है। अगली बार कोई मौत के साया की वादी आए छोटी मोटी, आप घबराने की बात घबराने की बजाय आप ये कहेंगे खुदावंद आई एम एंजॉयिंग इट, ओ खुदावंद मुझे मजा आ रहा है, खुदावंद मौत के साया की वादी अगर मुझे तेरी कुर्बत में ले आए, मुझे तेरी नजदीकी में ले आए, खुदावंद मुझे तेरी फेलोशिप में ले आए, ओ खुदावंद खुदा मुझे अल्टीमेट अफेक्शन में ले आए, मुझे अल्टीमेट इंटीमेसी में ले आए, तो मौत के साया की वादी मौत के साया की वादी नहीं है, क्योंकि जिंदगी देने वाला खुदा मेरे साथ है। आमीन।